हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डिफरेंट वर्जन्स को लेकर के है। हम देखेंगे कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2009, अब देखिए ये जो ओपन किया है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक डिफरेंट वर्जन है एक्सेस का, ठीक है। अब अर्लियर वर्जन है और यहाँ पर ये पुराना वर्जन है। तो जो लोग पुराने वर्जन को यूज करते हैं, जो लोग पुराने वर्जन को चलाते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए और जो लोग नए वर्जन को चलाते हैं उन लोगों को कैसे काम करना चाहिए, दोनों में डिफरेंस देखने वाले हैं। ये स्टार्ट किया जाए इसको, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पुराना वाला वर्जन ओपन करता हूँ। इसमें कैलकुलेट करना आसान थोड़ा सा नहीं है, इसमें क्वेरी में जाकर के हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये डेटाबेस बनाया। अब मान लीजिए यहाँ पर ये टेबल वन ही इसको रहने देता हूँ। अब यहाँ पे ये प्राइमरी की है, यहाँ पर एक फील्ड में डालता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट FIRST फर्स्ट, तो ये फर्स्ट लिख दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर नंबर रख देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर लिखता हूँ, SECOND सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड वाला नंबर आएगा और यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे इसको टोटल करते हैं, TOTAL टोटल। तो जब टोटल करेंगे तो टोटल यहाँ पर आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है। तो अभी आप इसको यहाँ से व्यू पे क्लिक करके यहाँ से सेव कर सकते हैं और यहाँ पर आप नंबर डाल सकते हैं। तो जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे आप डालेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे लेकिन टोटल होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। फिर यहाँ पर वापस से आते हैं और यहाँ पे फिर टोटल करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे टोटल होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन यही अर्लियर वर्जन है, मींस कि 2016 या 2019 अगर आपके पास है, या 2021 जिसे ऑफिस 365 भी अगर आपके पास है तो बहुत बेटर है, वहां पर क्या फैसिलिटी मिलती है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक अलग वर्जन मैंने रखा है अपने पास। अब यहां से क्लिक करता हूं ब्लैंक डेटाबेस पर। जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पे जाते हैं तो यहां पर ये इस तरीके से आता है, और आप देखिए यहां पर जब आते हैं तो सिनेरियो कुछ इस तरीके का मिलेगा, लगभग वैसा ही है, लेकिन अब यहां से चेंज होने वाला है। तो यहां से ओके करता हूं। अब देखिए यहां पर ये प्राइमरी की है। अब यहां पर आता हूं, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, फर्स्ट जैसे वहां पर लिया था फील्ड, वैसे यहां पर ले लिया फर्स्ट, और यहां पर SECOND, आप थर्ड फोर्थ भी ले सकते हैं, चलिए यहां पर थर्ड भी ले लेते हैं, THIRD थर्ड कर दिया। लेकिन यहां पर हर बार देखिए टेक्स्ट ना आकर के शॉर्ट टेक्स्ट आ रहा है, और यहाँ पर जो डेटा टाइप है यहाँ पर नंबर हमें रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी नंबर रख लेते हैं, यहाँ पर भी नंबर रख लेते हैं। तो अभी तक तो ये समझ में नहीं आया कि दोनों में क्या डिफरेंस है, अब यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पर टोटल रखता हूँ, ठीक है, ये टोटल कर लिया। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो नीचे हमें मिलता है कैलकुलेटेड डेटा टाइप। ये देखिए यहाँ पर कैलकुलेटेड है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 में कोई भी आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप नहीं मिलता। मैं आपको फिर से डिजाइन व्यू पे लेके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए टोटल की, अब देखिए इसमें कहीं भी कैलकुलेटेड नाम का डेटा टाइप आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अर्लियर वर्जन में कैलकुलेट करने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो टोटल है यहाँ पर इसके जगह हम क्या रखेंगे, कैलकुलेटेड डेटा टाइप। तो ये कैलकुलेटेड रख लिया हमने, और करना क्या होगा, यहाँ पर कैलकुलेट करने का काम करना है। क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर FIRST, ये हो गया फर्स्ट। फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे SECOND सेकंड हो गया, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे THIRD थर्ड। तो इस तरीके से ये कर दिया है। अब यहाँ से ओके कर देना है, और ओके करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से व्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल होता हुआ नजर आएगा आपको। तो अभी हमने कोई नंबर ही नहीं डाला यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे कोई नंबर इनपुट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पे दो ही नंबर का टोटल अपने आप आ रहा है। अब देखिए तीसरा नंबर भी डाल दिया तो यहाँ पे टोटल आने लगा, तो ये फायदा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अगर मैं पॉइंट वाला डालने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पॉइंट वाला नहीं लेगा, क्योंकि हमने नंबर डेटा टाइप लिया है, पॉइंट वाले के लिए अलग कहानी है, ठीक है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। लेकिन यही चीज अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 में करनी हो तो थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पे क्रिएट पे जाना पड़ेगा, फिर क्वेरी डिजाइन पे जाना पड़ेगा, एक क्वेरी बनानी पड़ेगी, ऐड कर दिया टेबल को, और यहां से फर्स्ट सेकंड और टोटल ये सबको लेकर के फिर यहां पर कॉलन लगा करके आपको टोटल करना होगा। तो यहाँ पे FIRST करना होगा, ये फर्स्ट, और बंद करके प्लस का निशान लगाइए, और यहाँ पे SECOND सेकेंड, ठीक है, बंद करिए, इस तरीके से करना होगा, और यहाँ से रन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर भी टोटल आ रहा है, लेकिन एक क्वेरी एक्स्ट्रा आपको बनानी पड़ जाएगी जबकि आप 2007 को यूज करेंगे, या जबकि आप यूज करेंगे अर्लियर वर्जन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे हिसाब से 2019, तो यहाँ पर कोई भी इस तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा चलिए अब बात करते हैं कि अगर इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं, जैसे ये नंबर डेटा टाइप है ना, तो यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि ये पॉइंट में भी वैल्यूज ले,
तो पॉइंट में वैल्यूज ले इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना, थोड़ा सा सेटिंग करना है। ये जो है ना यहां पर, अब नीचे आ जाइए, ये जो जनरल दिया हुआ है फील्ड प्रॉपर्टीज के अंदर, और यहां पर फील्ड साइज जो दिया हुआ है ना, इसमें हमने रखा है लॉन्ग इंटीजर, तो हम इसको सीधा सीधा क्या करते हैं, डबल बना देते हैं। डबल यहां पर भी वही काम करते हैं, जहां पर भी आप डबल बना देंगे वहां फायदा ये होगा कि आप पॉइंट में भी एंटर कर पाएंगे। तो ये देखिए यहां पर आए और यहां पर आकर के इसको डबल बना दिया, फिर थर्ड वाले को भी डबल बना देते हैं ताकि हम पॉइंट में वैल्यूज एंटर कर पाए। तो ये बड़ा आसान है, देखिए एक बार ये कर लेंगे तो आपको अर्लियर वर्जन के साथ काम करने में ही मजा आएगा, पुराने वर्जन के साथ आप काम नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए ये देखिए यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे 4.5 अगर मैं कर देता हूं तो क्या ये एक्सेप्ट कर जाएगा, एक यही मैटर है। तो 4.5 किया और यहाँ पे देखिए रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 6.9 इस तरीके से 96 कर दिया, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है। लेकिन यहाँ टोटल में कहानी चेंज है, टोटल में होल नंबर में आ रहा है, इसे राउंड कर दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये राउंड हो जा रहा है, ये राउंड होकर के रिजल्ट आ रहा है हमारा। तो टोटल में भी आए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो टोटल में भी आए इसके लिए हमें कैलकुलेटेड डेटा टाइप में जाकर के ये जो रिजल्ट टाइप लॉन्ग इंटीजर दिया हुआ है इसको क्या बना देना है, डबल बना देना है। तो बस इसको डबल बना दीजिए, काम हो जाएगा आपका। ये देखिए आप देखिए यही चीज जो है पॉइंट में भी आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट में भी आने लगी। यही चीज अगर आपको 2007 में करना होगा तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये जो टेबल है ना इसके डेटा टाइप में जाना होगा और फिर यहाँ पर भी वही काम कि हमें डबल बनाना होगा। ठीक है, ये जो नंबर है ठीक है इसकी फील्ड प्रॉपर्टी में जा करके और यहां से इसको डबल बना दीजिए, बस डबल बनाने की देरी है। डबल जैसे ही आप बनाएंगे, हालांकि ये एडिट नहीं होता है, जब एक बार क्वेरी बन जाती है तो परेशानी होती है आपको एडिट करने में, तो इसको डबल ही बनाना पड़ेगा। इसको डिलीट करके डबल बनाएंगे तो काम आपका आसानी से हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी।